भाई गेहूँ कुट रहे हैं गाँव में, देखिए भाई हमारी दोनों छोरियां हमसे मिलने यहाँ तक आ गई हैं। तुम्हें पता था मौसा जी यहाँ पे अच्छी खाना खा रहे हैं। देखिए आहा, एक टिपन रोटी, एक टिपन में आहा सलाद, एक टिपन में सब्जी, दूसरे टिपन खाली और इस टिपन में दही, ये भी खाली। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका MD यादव ब्लॉग्स में। और भाई सौर जाने की तैयारी है स्कूल की, देखो ये पेस्ट कर रहा है सौर पेस्ट कर रहा है और सौर की माँ सौर के लिए तैयार कर रही है। क्या तैयार कर रहे हैं? सौर की माँ सौर के लिए तैयार कर रही है पोहा। हाँ सौर की माँ सौर के लिए तैयार कर रही है पोहा। देखो ये पोहा रखा हुआ है, तैयारी हो रही है पोहा बनाने की। और सौर के पा कर रहे हैं तैयारी बनाना शेक बनाने के लिए, क्योंकि भाई देखो बच्चों के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, बुढ़ापे में अगर काम आ जाए तो आ जाए, नहीं तो फिर अपनी तो कटनी नहीं है, तैसी कटेगी। बनाने ला लें बड़े बड़े से तीन बनाना, क्योंकि तीन लोग हैं पीने वाले, मैं पीऊंगा, सौर पिएगा, कृष्णा पिएगा और तो कोई पिएगा। और देखिए दूध डाल देते हैं इसमें पूरा भर के, इसे ठंड ठंडा दूध को डालना चाहिए। चाय को बचाना है, अरे यार इनके लिए चाय के लिए बचाना पड़ता है। नहीं बस बनाना से एक बन के तैयार हो गया, देखिए ठीक है। ये देखिए इसमें हमने डाल दिया किशमिश बादाम, और अभी इसमें रू आप तो थोड़ा सा डालेंगे बस, तो इतना टन हो जाएगा। रात में लगे तो सब है भैया, हम लगे हैं वहाँ, कोई नंबर हो ना चले तो शेक बनाए हुए में लगे। लो गिलास देते हैं भाई सौर को स्पेशल शेक। लो भाई चुकी है, और हमें कुछ पैसा जमा करना था वो हमने कर दिया डिपोजिट मशीन में। अब चलते हैं भाई गांव में, चलते हैं भाई, पहले चलते हैं वैशालीपुरम में सत्यपाल जी को, प्रधान जी को उठाते हैं, तब चलेंगे भाई गांव में। वैशालीपुरम में एंटर कर दिया है भाई, घर पे आ गए भाई। भाई गांव जाते जाते रास्ते में राधेलाल शुक्ला जी का फोन आ गया, हमारे साधु साहब का, तो पहले उनसे मिल लेते हैं भाई। वही राधे के ट्यूबवेल पे आ चुके हैं, और साइड में हमने अपनी रानी को लगा दिया यहाँ पे। अब लगे हैं ये तार, इन तारों को कैसे हमें करना है पार। अरे राम यार कर रहे हैं भाई, फटाफट मुलाकात करते हैं उनसे। राम राम सा, राम राम सा, जब देगी भाई खेतों पर काम ले जंगल में आके। ये जंगल नहीं है, हमारे खेत है। हाँ ये खेत है भाई, नहीं पर काम करता है। अब कहा है देखो जी गेहूँ रह गए इतने बस। अच्छा ये रह गए भाई, पूरा बांधे पर रखे बस कुटने की तैयारी। देखिए पाखल का इतना घना पेड़ और उसके नीचे पड़े हैं हम, बड़ा सुकून है भाई। बड़ी ठंडी ठंडी हवा मार रही है, ऐसा देसी खाना खा रहे हैं। देखिए आहा, एक टिपन रोटी, एक टिपन में आहा सलाद, एक टिपन में सब्जी। खेतों पे खाने का मजा ही कुछ और, किस किस ने खेतों पे इस तरह से बैठ के खाना खाया है वो बताना जरूर, ठीक है। ये देखो खेतों पे घूम रही हैं दो लड़कियां, किसकी हैं ये लड़कियां? देखना ये देखना हमारी छोटी। देखिए भाई हमारी दोनों छोरियां हमसे मिलने यहाँ तक आ गई हैं। तुम्हें पता था मौसा जी यहाँ पे? मौसा जी से मिलने दोनों बच्चे यहाँ पे आ गए भाई। ये देखिए इनको मौसी को, इनकी मौसी को ये वीडियो दिखाया जाएगा। हाँ जी हालत हो गई है, आज बड़े दिनों बाद करते हैं सेविंग। ये ब्लेड मंगाए क्योंकि वो छोटा ब्लेड तो अभी बाल इनमें काम नहीं करेगा, ठीक है भाई। Thank you.
दाढ़ी बन के फिनिश हो गई है भाई, उस पर लगा ले रहे हैं थोड़ी सी फिटकरी, क्योंकि जगह देखिए भाई आज सेविंग वेविंग बना के एकदम चिकने हो गए है ना, जबरदस्त चिकने हो के आज चल रहे हैं गाँव में। तो गाँव में एक होनी है अखंड रामायण श्री राम भाई, हम खा रहे हैं घर पर बनी हुई स्पेशल रायता कचौड़ी। देखिए भाई ये कचौड़ी है, आलू की कचौड़ियाँ हैं, ये रायता है, इसे रायते में डुबो दिया जाता है ऐसे करके, बहुत टेस्टी भाई। चलते हैं भाई गांव में, आज सुनते हैं अखंड रामायण। अंकल जी साड़ी वाला पूरी साड़ी, बहुत सारी साड़ी बनाए नहीं तो सेटिंग पूरे। अरे चलो भाई चलते हैं हम तो गांव में, पहले आटा उठा के डाल लें चक्की से। देखिए भाई हमारे छोटे भाई योगेश जी यहाँ पे आए हुए हैं और सूर्यपाल जी एटीएम से पैसा निकालने, दुकान के अंदर हो गई गाड़ी निकालेंगे अपनी। ये पटरी बाजार इतना बड़ा आसपास कहीं है ही नहीं, दिख रहा हो तो टैक्स पूरा है। खेत की दीवार के लिए हम थोड़ा इस सिस्टम का पता कर रहे हैं भाई। देसी मुंडा पहले ऐसे ही चलते थे, हम भी गांव में ऐसे ही लेके आए। और ये थे भाई फर्म के मालिक साहब तो आए नहीं, बहुत इंतज़ार कर लिया और हम पे इतना टाइम है नहीं, अब लौट के मिलते हैं भाई। भाई इधर होके आए हैं तो मंदिर हो मंदिर के सामने होके निकलेंगे, कम से कम माता रानी के दर्शन तो होते रहे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है भाई। भाई अंकल जी की गाड़ी दिख गई तो अंदाजा लग गया कि अंकल जी यहीं पे हैं भाई। कैसे भाई दर्शन है गए? मतलब लौट जाऊँ दर्शन है गए कैसे? देख रहे हो भाई आप लोग, देखिए आप लोग ये कह रहे हैं कैसे दर्शन हो गए, हम इन्हें ढूंढते आ रहे हैं। कितने दिन हो गए ये बताओ। चलते हैं भाई गांव में आ गए, ये सामने घर हमारा, रुके हम वैसे ही पैदा निकल जाए का बोला टूटी रहते। रविकांत का बस भाई ढोया जा रहा है, चौधरी पप्पू सिंह लेटे हुए आराम से। अच्छा आराम सा हंसे लगन बोले मेरे दुबाने ऐ मुनि से महाभट माने होने पने मोय देव देखाव बुटारू चैत उड़ावन तू की पहाड़ू इनायवा कुमार बदरिया थे उनाए जैतन दे जैतर जनी देके मैं जाए देके कटाओ सरा जनवाना मैं कटुका सहित अभिमाना। वही अभी हम जा रहे हैं खेतों की तरफ क्योंकि गल्ला खुट चुका है गेहूं, तो अभी चलते हैं और गेहूं वेहूँ अपना इकट्ठा करके वही फिर जाएंगे टूला। अभी तो हम बेचेंगे वो बुरा नहीं कह रहा होगा का हम लेंगे। अच्छा तो कोई ले ले हमें का ले ले। देखिए भाई ये भूसा इकट्ठा किया जा रहा है और बच्चे लगे हुए हैं, हमारे चच्चू भी लगे का उधर, और आजकल सभी के गल्ले कुट रहे हैं, बताना जरूर हमें किस किस के गल्ले कुट रहे हैं भाई। हाल मट रहे देखो भाई गेहूं कुट रहे हैं गांव में,